मैं सफाई कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सफाई पसंद है। हमें सफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कभी भी वी विल नेवर बी एबल टू क्लीन अप आवर कंट्री, क्लीन अप आवर वर्ल्ड बाय क्लीनिंग अप। वी विल हैव टू स्टॉप लिटरिंग। दैट्स द सिंपल मैसेज दैट वी वांट टू गिव। ओके, मैं रिपु दमन ये शपथ लेता हूँ कि आज के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मेरा नाम रिपु दमन है। लॉट ऑफ यू माइट बी मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। और हम अभी एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक 4 सालों में हमने क्या किया है। हमने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसका नाम है लिटर फ्री इंडिया मूवमेंट, कूड़ा मुक्त भारत। एंड द आइडिया वॉज दैट वी ऑल इंडियंस नीड टू स्टॉप लिटरिंग। बस इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, वी विल एक्चुअली सी अ स्वच्छ भारत, वी विल एक्चुअली सी अ लिटर फ्री इंडिया। हमें सफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कभी भी वी विल नेवर बी एबल टू क्लीन अप आवर कंट्री, क्लीन अप आवर वर्ल्ड बाय क्लीनिंग अप। We will have to stop littering. That's the simple message that we want to give. And imagine if 1.3 billion Indians stop littering, that will create a major impact, right? So, वो एक mission लेके हमने start किया था। देहरादून literally 100वां शहर, मतलब हमने 100 शहर complete किए अभी recently। 100 शहर जहाँ पे हमने clean up drives organize किए हैं, 500 plus clean ups that we've done। वो किया, फिर 2019 में हमने एक campaign किया था जहाँ पर I ran and cleaned up across 50 cities in 50 days. Ran to make India litter free. उस time पे government of India suddenly got to know कुछ blogging नाम की चीज़ होती है, and the prime minister called me up and the government of India adopted our mission. So आप जो पहली बार जो लोग ये करने जा रहे हो, there have been 1 crore people who've done this activity, 1 crore people across the country, right? But our mission is still going on because जब तक ये आसपास ऐसी जगह ही रहेंगी, क्योंकि अगर आपने आसपास देखोगे तो ये कचरा आता कहाँ से है, हम ही फैलाते हैं, राइट। तो जब भी हम ये क्वेश्चन पूछते हैं द फिंगर नीड्स टू पॉइंट एट आवर सेल्फ। तो अब 2020 चला गया, 2021 में हम एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं राइड फॉर चेंज, जहाँ पे आई एम राइडिंग 7500 किलोमीटर्स सेल्फ सपोर्टेड अक्रॉस द कंट्री। एंड ये अपनी तरीके का एक अनप्रेसिडेंटेड कैंपेन होगा। व्हाई एम आई डूइंग दिस? एम आई क्रेजी? एम स्टूपिड? नो। व्हाई एम आई डूइंग दिस इज बिकॉज कि हमें सबको ये समझना है कि हमारे एक्शन से एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होता है, आर ओन डूइंग। तो अभी हम वी ट्राइंग टू विद दिस मूवमेंट वी ट्राइंग टू बिल्ड अ साइकिलिंग कल्चर अक्रॉस द कंट्री। हम में से कितने लोगों का साइकिलिंग कल्चर बनेगा? तो वो हम अभी जब ये ब्लॉगिंग ड्राइव करेंगे। ब्लॉगिंग कितने लोगों को पता है? ब्लॉगिंग नॉट हर्ड ऑफ ब्लॉगिंग? नो, नहीं। ओके, तो ब्लॉगिंग हमने जब ये लिटर फ्री इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, तो हमने सबसे पहले ये चीज़ की थी कि इसको क्लीन अप को एक फिटनेस एक्टिविटी कैसे बनाई जाए, राइट। तो मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा, थोड़ा सा गैप बना लो। तो आपके हाथ में ये ग्लव्स होंगे, ये ट्रैश बैग होगा, ऑलराइट। एंड वी विल एक्चुअली वर्क आउट वाइल पिकिंग अप लिटर। तो सबसे पहली एक्सरसाइज होती है स्क्वाट, राइट। आप स्क्वाट में गए एंड यू पिक अप जितनी भी शिद्दत है जितना नीचे जा सकते हो। सो कैन वी ऑल डू अ डीप स्क्वाट विदाउट गेटिंग हील्स अप? आपके हाथ नीचे जा रहे हैं।
पर्यटन बाजार जैसी शो देम लेट्स मेक देहरादून ब्यूटीफुल क्लीन एयर। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज ये कूड़ा ना फैलाएं, ये हम लोग ही फैलाते हैं और हम लोग वीक डेज में फैलाते हैं और वीकेंड में हम साफ करते हैं। क्यों यह है रिपु जी जो कि ब्लॉगर मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, तो रिपु जी ये कॉन्सेप्ट क्या है, लाइक आपने इतनी अच्छी अवेयरनेस फैलाई दे रहा तो में कि लोग रनर से वो चल कर आए, तो इससे क्या मैसेज पहुंचेगा, किस टाइप में आप इसको प्रमोट करेंगे? तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैसेज है वो ये है कि हम खुद ना लिटर करें, ना अपने आस पास किसी को गंदगी करने दें, क्योंकि वी विल नेवर बी एबल टू क्लीन अप आवर वर्ल्ड बाय क्लीनिंग अप। हमने आज आके यहाँ पे क्लीन अप कर दिया, फिर वही शॉपकीपर ने फिर से वहाँ फैला दिया, सो वी विल ऑल हैव टू वर्क टूवर्ड्स नॉट लिटरिंग। और अगर वो हम करते हैं व्हेन वी बेंड डाउन टू पिक अप समबडी एल्स लिटर, जिसको हम ट्रैश वर्कआउट बोलते हैं, प्लॉगिंग बोलते हैं, तो जब आप खुद बेंड करके किसी और का कचरा उठाते हो, आप कभी खुद कचरा नहीं फैलाते हो। और आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, अगर वो सब एक बार ही इस ड्राइव में ज्वाइन करें एंड दे टेक प्लेज टू नॉट लिटर, इसके बाद हम प्लेज भी लेंगे, तो यू विल सी इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज, और उसके बाद पीपल विल नॉट लिटर। और अगर 130 करोड़ भारतीय विल नॉट लिटर, वी विल एक्चुअली सी अ लिटर फ्री इंडिया। वेरी गुड, सो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, आप देख सकते हैं इनके साथ काफ़ी लाखों करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं इंडिया में एंड हर सिटी में जाके ये ऐसी अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी रनिंग कम्युनिटी वहाँ के अच्छे रनर्स एंड सारे लोग आए हुए हैं। मिस्टर करमवीर जी जो अपना आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, प्लीज सफाई करिए, प्लीज प्लास्टिक कम यूज करिए, ताकि रिपू को इतना साइकिल ना चलानी पड़े, मतलब बेचारा 7500 किलोमीटर साइकिल चलाएगा, बिकॉज आप लोग हम लोग हम सब लोग कूड़ा फैला रहे हैं। सो जस्ट बी कॉशियस अबाउट इट। ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट रीयूज, वी शुड नॉट यूज दीज पेपर प्लेट्स एंड ऑल। अपनी प्लेट, अपनी स्टील की प्लेट, अपना ग्लास, स्पून, कटोरी, व्हेनेवर यू ट्रैवल कैरी इट विद यू, सो दैट विल सेव अस फ्रॉम दीज पेपर ग्लासेस, पेपर प्लेट्स, प्लास्टिक। I mean, we are the ones who are responsible for the Dhoon. Dhoon has been such a beautiful city, and everywhere we are collecting is plastic. सब जगह plastic का plastic. हमें ये plastic का use reduce करना चाहिए। पुणे इतना अच्छा initiative लिया है, and Dehradun will be a 100 city that will be a like litter free. So let's continue this initiative and let's have more of these cleanliness drives even when Ripu goes back. To the group DRC. So you are associated with the RCG, yeah. Right? Wonderful. Your name please? Puram Yadav. And your name? Pradeep Yadav. Okay. So आप लोग यहाँ पे cleaning drive के लिए आए हुए, right? So आप लोगों को कुछ message देना चाहेंगे cleaning को लेके? क्लीनिंग को लेके मैसेज यही है कि क्लीनिंग इज सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज वी हमें थ्रो नहीं करना है, सो दिस इज अगर इफ वी विल नॉट डू दैट वी विल थ्रो एनी लिटर इन द डस्टबिन देन दिस विल नॉट हैपन, इफ विल स्टॉप एवरीबॉडी विल स्टॉप डूइंग दैट then there will be no need for these kind of events. But any message from you? It's a nice initiative of vlogging, means along with your exercise you are doing the some social work, not social work, actually this is our duty only, this we only liter, right. All these things, so it's our duty to clean it up, that's it. And thank you so much sir for joining this initiative, and aapke aane se ek alag hi message pahunchta hai logo tak, and so aap kuch message dena chahenge? मैं तो यही सोचता हूँ कि देवभूमि है और यहाँ पे वी शुड कीप इन माइंड क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, एंड जस्ट इफ वी कीप दैट इन माइंड आई थिंक वी विल गिव द रिस्पेक्ट ड्यू टू दिस मदर अर्थ एंड टू द एनवायरनमेंट अराउंड अस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे भी क्लीनिंग हम लोगों ने किए हैं, ये सारा वेस्ट मटेरियल इसमें आ चुका है एंड आपको आगे देखना है सारे इंडिया में 100 सिटीज में ऐसे किया जा रहा है।
मैं रिपु दमन ये शपथ लेता हूँ कि आज के बाद अपना कचरा सिर्फ कूड़ेदान में डालूंगा। जहाँ भी जाऊँगा अपना झोला लेकर चलूँगा और पॉलिथीन बैग्स को ना कहूँगा। जहाँ भी जाऊँगा अपनी वाटर बॉटल लेकर चलूँगा और सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स को ना कहूँगा। और इन सब की वजह से अपने देश को, अपने भारत को पूरा मुक्त रखूँगा और दुनिया का सबसे साफ देश बनाऊँगा। जय हिंद। अभी किसको अपर बॉडी वर्कआउट करना है कर सकते हो।